नमस्कार, घर संसार में आपका स्वागत है। तुलसी का पौधा क्या है, तुलसी कौन थी और तुलसी का चमत्कारी गुण किस तरह से आपकी जिंदगी की दशा और दिशा को बदल सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस आज के जो वीडियो को आप देख रहे हैं उसमें आपको हम जो उसके कुछ 10 टिप्स हैं जो आपको बतलाएंगे, जो तुलसी का पौधा कैसे ही चमत्कारी प्रभाव लाता है, तो वो चीज हम आपको बतला रहे हैं। सबसे पहले तुलसी का पौधा, वो जो हमारे आंगन में एक प्लांट है तुलसी का, वो उसका हिस्ट्री क्या है, वो कौन थे, उसके बारे में हम आपको बतला रहे हैं। तुलसी का पौधा जो दिख रहा है आपको आपके आंगन में, जो जिसकी पूजा आप नित्य करते हैं, जिसको जिसकी पत्ती आप लेके देवताओं के सर पे चढ़ाते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, तो वो सत्ययुग में जो है, चूंकि तुलसी देव कन्या थी जो किसी संयोगवश राक्षस कुल में पैदा हुई, और राक्षस कुल में पैदा होने के बाद उनका अति रूपवती थी और उनका नाम वृंदा रखा गया। और उनकी शादी जब यौवना हुई, बड़ी हुई, तो तुलसी की वृंदा की शादी राक्षस के राजा थे जालंधर, राक्षस राज जालंधर जो दैत्य राज कहलाते थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, उसके साथ हुआ। क्योंकि जालंधर तो राक्षस राज था, इसके लिए राक्षस और देवताओं में अक्सर ही युद्ध होता था। तो वही राक्षस और देवता में युद्ध के समय एक बार तुलसी जो वृंदा जो थी, वृंदा पूजा पे बैठ गई और राक्षस राज जालंधर वो युद्ध करने के लिए गए। चूंकि वृंदा संकल्पित होके भगवान विष्णु की, वो बहुत ही पुजारी थी, भगवान विष्णु की पूजा वो, और उनका आराध्य देव जो थे भगवान विष्णु थे, तो वो पूजा में संकल्प होके बैठ गए और राक्षस जो है, राक्षस जालंधर जो थे वो देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। चूंकि वृंदा के पुण्य प्रभाव से और पूजन प्रभाव से उन्होंने तीनों लोक को जीत लिया और देवताओं पे भी विजय प्राप्त करने लगे, तो देवता डर से त्राहिमाम होके भगवान विष्णु के पास गए और बोले, भगवान आप हमारी रक्षा जालंधर से करिए। किसी तरह जो है वृंदा, चूंकि वृंदा का व्रत भंग, वो जो व्रत पे व्रत की संकल्प लेके बैठे हुए हैं उनका व्रत भंग होनी चाहिए, तभी ये जालंधर हमसे पराजित हो पाएंगे। भगवान विष्णु बोले, जो वृंदा जो है हमारी अनन्य भक्त है, हम उसके साथ कभी भी छल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देवता चूंकि देवांशी उनसे बहुत ही विनय और अनुनय करने लगे, तो वो तैयार हुए और भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के और वृंदा का व्रत भंग करने के लिए जो ही आए, चूंकि वृंदा व्रत में संकल्पित होके अपने ध्यान में बैठी थी, वो अपने पति का आहट भगवान विष्णु जालंधर रूपी जो मुखौटा लेके आए, तो वो आहट सुन के वो अपना व्रत ज्यों ही संकल्प छोड़ के वो प्रणाम करने के लिए नीचे झुकी, वैसे ही वहां पे संकल्प उनका चूंकि टूट गया था, इसके लिए वहां जालंधर जो है देवता से पराजित हो गए और उनका देवताओं ने उनको तलवार से उनके सर को अलग कर दिया। वो सर वृंदा के पुण्य प्रताप से सीधा वृंदा के आंगन में आके गिर गया। जैसे ही भगवान विष्णु वो सर गिरा और वृंदा वो देखी, तो वो अचंभित हो गई, चूंकि ये जालंधर का रूप पकड़ के भगवान विष्णु सामने करे तो डबल डबल हमारे किस तरह, वो कंफ्यूज, तो वो सवाल करे भगवान विष्णु से, जो अगर हमारे पति का सर ये है तो आप कौन है। इतना सुनते ही भगवान अपने पूर्ववत स्थिति में आ गए, वृंदा के साथ छल हो गया, उसकी पति की मृत्यु हो गई, श्राप उन्होंने कुपित होकर, वृंदा चूंकि कुपित होकर, पतिव्रता नारी थी इसके लिए कुपित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जाओ आप पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु इस श्राप के वशीभूत उसी टाइम पत्थर के हो गए। और दोस्तों, चूंकि पूरा ही लोक में हाहाकार मच गया, देवता जो है लक्ष्मी आके बहुत अनुनय करे, लेकिन वृंदा के मुख से तो ये छूट चुका था, वो भगवान विष्णु कैसे फिर पत्थर से वो विष्णु में आते।
बहुत सारे जो है इसके बारे में बहुत सारी कहानियां जो है वेद में है, राम महा ये सब में पुराण में लिखा हुआ है, तो इसका तो बहुत बड़ा एक दृष्टांत है बहुत बड़ा। तो दोस्तों तुलसी का ये तो जो है इतिहास है। अब तुलसी का पौधा किस तरह से आपकी जीवन की दशा को बदलेगा, किस तरह से ये आपके लिए चमत्कारी प्रभाव लाएगा, इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। पहला नंबर, तुलसी का पौधा ग्रहण की स्थिति में, चाहे चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण, उस स्थिति में अपने भोजन में अगर एक तुलसी का पौधा डाल के ग्रहण के बाद अगर भोजन किया जाए तो उससे आपकी जो है लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और वो तुलसी का पौधा चमत्कारी प्रभाव डालेगा। दूसरी स्थिति जो है आपका, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद हम अक्सर तुलसी का पौधा उसके मुख में और गंगा जल डालते हैं। अगर आपको पूजा के बाद प्रसाद के रूप में प्रथम अगर तुलसी का थोड़ा सा अर्पण के बाद पौधा अगर एक पत्ती अगर लेके और गंगा जल थोड़ा से लिया जाए तो ये आपकी जो तेज है उस तेज को उज्ज्वल करेगा, आपके तेज को और निखारेगा। तीसरा जो है आप श्यामा तुलसी, आप श्यामा तुलसी जो है श्यामा तुलसी का पूजन, श्यामा तुलसी अगर घर के आपके कमरे के अगर सीधा उत्तर भाग में रखा हुआ है और उसका सुबह नित्य उठ के अगर देखते हैं, सुबह उठ के अगर तुलसी पे नजर जाता है तो आपका व्यापार बढ़ेगा। चौथा जो है आपका बच्चा अगर जिद्दी है, बच्चा आपके कहे को नहीं मानता है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो इस स्थिति में आप एक छोटा सा तुलसी का पौधा उस बच्चे के बेडरूम में दक्षिण साइड में लगा दें और वो बच्चा का नजर सुबह उठ के आपका बच्चा जो है अपने जिद्द को छोड़ के आपके कहे को फॉलो करेगा और आपका कहा मानेगा। पांचवा, अगर आपकी बच्ची की शादी अगर थोड़ी सी देर हो रही है, शादी में बहुत सारी अड़चन आ रही है, तो आपकी बच्ची अगर एक महीना तक आपके आंगन की तुलसी की अगर पूजा करे और नित्य पूजा करने के बाद जलार्पण करने के बाद एक तुलसी के पौधे एक तुलसी के पत्ती को सर पे ऐसा प्रणाम सर पे लगा के और उसका ग्रहण करे तो ये चमत्कारी चीज जो है आपके बच्ची के ग्रह स्थिति को प्रभावित करेगा और आपकी बच्ची की जल्दी शादी हो जाएगी। अगर आपके ग्रह में आपका जो ग्रह है, ग्रह का स्थिति है, उसमें अगर दसवें भाव में अगर इस तरह से ग्रह की स्थिति कुंडली में है कि आपके व्यापार को प्रभावित कर रहा है, तो आप अपने ऑफिस में, आप अपने कार्य क्षेत्र में एक तुलसी का छोटा सा पौधा रखें और नित्य एक दीपक जला के एक अगरबत्ती अगर उसपे एकाग्र मन होके करें तो वो चमत्कारी फल आपको देगा। इस तरह से तुलसी के पत्ते में, तुलसी के पौधे में और तुलसी के जड़ में बहुत सारे गुण होते हैं जिसके प्रभाव से आपका जो है आपके परिवार के ऊपर जो विघ्न बाधा है वो खत्म होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी राशि की स्थिति को सही करेगा एवं जो भी आपकी समस्या है वो एक तुलसी एक चमत्कारी पौधा है, इसके द्वारा आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप आपकी सारी मनोकामना जो है इस पौधे के द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं। ये तो तुलसी का चमत्कारी गुण हुआ। आगे आपके कुंडली में अगर कुछ समस्या है तो उस समस्या का निवारण के लिए हमारी जो संस्था है उस संस्था के द्वारा आपको आपकी समस्या का जो है आपका समस्या का समाधान मिलेगा, आपका कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में निराकरण के लिए उपाय मिलेगा। आपके ग्रह स्थिति का, अगर कुंडली में ग्रह स्थिति सही नहीं है तो उसकी शांति और समाधान के लिए आपको उपाय बतलाया जाएगा। अगर आपको कुंडली चाहिए तो ये एक पेड सर्विस है जो कम पैसे में कम खर्चे में आपको प्रोवाइड किया है। हम लोग, हमारी संस्था जो है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं और आपको कुंडली प्राप्त होता है। आपको कुंडली से संबंधित किसी भी चीज की जानकारी के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप अपना कमेंट भेजेंगे। लाइव में बात करने के लिए चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।